आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक फैक्ट कोविड-19 के बारे में। हैदराबाद के मशहूर डॉक्टर जिनका नाम मोहम्मद अब्दुल रफीक है, वे हैदराबाद के मशहूर डॉक्टरों में से एक है। आज वो आपको बताएंगे बेसिक फैक्ट कोविड-19 के बारे में। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें, और साथ ही साथ अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रफीक, जनरल फिजिशियन, सोशल एक्टिविस्ट एंड एजुकेशनिस्ट। आज का जो उन्वान है ये कोरोना के ताल्लुक से है। कोरोना जो नाम आया है ये क्राउन से आया है। ये वायरस जो है क्राउन की शक्ल में होता है, ताज की शक्ल में, तो उसका नाम कोरोना है। चूंकि 19 में दरियाफ्त हुआ है, डिस्कवर हुआ है, इसको कोरोना 19 कहते हैं। ये एक वायरस है, एक प्रोटीन है छोटा सा, इसका साइज होता है 200 माइक्रोन। एक जो आम जो फेस मास्क होता है इससे भी इसको रोका जा सकता है, बशर्ते कि वो फेस मास्क का क्लॉथ जो है वो अच्छी क्वालिटी का हो, या एक से दो सिंपल मास्क भी अगर ले लें तो इससे रुकावट हो सकती है। अब जो हाईली स्पेशलाइज मास्क आते हैं N95 या सर्जिकल मास्क N99, ये डॉक्टर्स के लिए है, मेडिकल पर्सनल्स के लिए है, जो कोविड-19 के पेशेंट से डील करते हैं, उनके रोकथाम के लिए यूज होता है। एक आम आदमी के लिए नॉर्मल मास्क जो है वो काफी है। अब ये वायरस जो है ये इसके अलामतें, आजकल पैंडेमिक आया हुआ है, इसकी वजह से ये चाइना के शहर वुहान से निकल के सारे दुनिया में स्प्रेड हो चुका है। हमारे यहाँ पर जो पहला केस नोट हुआ है 30 जनवरी को हुआ है केरला में, एक मेडिकल स्टूडेंट जो चाइना में पढ़ती थी वो लेके आई है। अब उसके बाद से यहाँ पर सारे इंडिया में फैल चुका है। ये वायरस जो है बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और ये फर्स्ट टाइम इस किस्म से सारी दुनिया इससे फेस कर रही है पैंडेमिक से, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। नियरली 10 मिलियन पीपल दे गॉट अफेक्टेड, इन्फेक्टेड, और इससे जो है करीब करीब 50 लाख के करीब से ऊंचे यानी लोग मर चुके हैं इसमें। और ये वायरस जो है सारी दुनिया में फैल चुका है, वैसे इंडिया में भी है। ये आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये इतना डेलिकेट होता है वायरस, इसकी जो ऊपर एक लेयर होता है, फैटी लेयर होता है, ये लेयर जो है मामूली स्टीम से या फिर कोई भी एक सैनिटाइजर से या सोप से 20 सेकेंड्स के लिए अगर उसको वॉश करें तो ये मर जाता है, वो फैटी लेयर निकल जाता है। जैसे उसका फैटी लेयर निकल गया ऊपर का, वो मर जाता है। अब ये फैलता है स्नीजिंग से, कॉफ से, फिजिकल कॉन्टैक्ट से, एक दूसरे के सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने से, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रखने से। इसमें नॉर्मली एक 2 मीटर की जो है डिस्टेंस रखना है। और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, यानी जब खांसते हैं, छींकते हैं, स्नीजिंग होती है, कॉफ होती है, तो इसके वजह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। ये मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स, मिलियंस ऑफ वायरसेस जो है वो एरिया में फैल जाते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन भी क्लोज कॉन्टैक्ट से होता है। तो अगर डिस्टेंसिंग रखेंगे, और ये हवा में नहीं फैलता, ये किसी भी चीज़ पे बैठ जाता है। अब साइड में अगर कोई मेटल का टेबल है, या फिर फर्नीचर में से लकड़ी का फर्नीचर है, या टेबल है, चेयर है, या रॉड है, या लिफ्ट है, इसमें जाके जो है 12 से 14 घंटे तक ये जिंदा रहता है। इस दौरान में अगर कोई भी आदमी इसको पकड़ लेता है या कांटेक्ट में आता है तो ये उसको जो है इन्फेक्ट करता है। और ये नॉर्मल स्किन के थ्रू नहीं जाता है, नॉर्मल स्किन जो है इम्यून है, इससे नहीं जा सकता। ये सॉफ्ट स्किन जो होता है, म्यूकस लाइन जो होती है नोज के अंदर होती है, जो डेलिकेट स्किन होता है, ओरल कैविटी में होता है, या आई के थ्रू होता है। ये 3 जो है इसके एंट्री के रूट्स है, आई, नोज और ओरल कैविटी, ये 3। जब ये जाता है तब बॉडी के सेल्स के अंदर जाके मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है, मिलियंस एंड मिलियंस टाइम्स इट मल्टीप्लाइज, और ये नाक में और थ्रोट में रहता है।
24 to 48 आवर्स रहता है। इसकी अलामतें आती हैं, एक बार किसी कोई कांटेक्ट में आया और इन्फेक्टेड हो गया तो उसको पहले फीवर आता है और सेकंड सोर थ्रोट होता है, इचिंग होती है थ्रोट में, थर्ड होता है बॉडी एक होता है और इसके अंदर कॉफ होती है और बाज़ लोग प्रेजेंटेशन अनइवन प्रेजेंटेशन करते हैं, डायरिया से भी स्टार्ट होता है या वीकनेस, एकदम सडन वीकनेस होता है इसके अंदर और लास्ट में जब बढ़ जाता है ये 72 आवर्स से बढ़ जाता है तब जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम आता है उसको, आदमी को सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसा कि नॉर्मल इंसान जो है 12 से 14 टाइम एक मिनट में सांस लेता है, तब ये जब इन्फेक्ट होके लंग्स जब इन्वॉल्व होते हैं तब 20 to 24 टाइम्स उसकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है। ये लंग्स के अंदर जाके इसको सॉलिडिफाइड करता है और उसके अंदर जो एयर स्पेसेस होते हैं, जो अल्वियोलाई होते हैं, लंग्स जो एक्सपैंड होने की कैपेसिटी होती है वो मजदूद हो जाती है, वो कम हो जाती है, तो तब उसको ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ ब्रीथ्स बढ़ जाते हैं इसके। तो ये एक छोटा सा टेस्ट भी है कि लोग बोलते हैं कि भाई अगर आप किस स्टेज में हैं, एक 50 seconds के लिए, 30 seconds to 50 seconds के लिए सांस रोक लें, अगर आपको ब्रेथलेसनेस नहीं हो रहा तो बदे आपके लंग्स इन्वॉल्व नहीं हुए। आप ये इनिशियल स्टेज में आप सुन के ताज्जुब होगा, इतना बेस्ट इलाज है, इतना सिंपल इलाज है। अगर ये हम आज पब्लिक को बता दें, जनरल पब्लिक को जो है एजुकेट कर दें थ्रू डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट या फिर रिलीजियस लीडर्स, अगर ये एक मुहिम चलाएं, एक जो है एक प्रोग्राम के तहत लोगों को एजुकेट करें कि भाई कैसा फैलता है, क्या करता है, क्या अलामतें होती हैं। जब ये अभी नाक में रहता है इनिशियल स्टेज में या हलक में होता है, गर्म पानी से अगर आप या बिटाडीन से या नमक के पानी से गरगरा करेंगे तो ये मर जाता है। और स्टीम इनहेलेशन बेस्ट टाइप है, इतना सिंपल है, 90% ऑफ द वायरस डाइज विद ओनली स्टीम इनहेलेशन। अगर एक केटल के अंदर आप वाटर ले लीजिए, बॉइल कर लीजिए, उसकी स्टीम ले लीजिए, द वायरस इज फिनिश्ड बिकॉज दैट फैटी लेयर गेट्स डिसॉल्व। एंड ऑल्सो विद सिंपल सोप, सिंपल डिटर्जेंट, वॉट एवर सोप यू आर यूजिंग, वॉट एवर सैनिटाइजर यू आर यूजिंग, वॉट एवर एंटीसेप्टिक लोशंस यू आर यूजिंग इट, ये उससे मर जाता है। जैसे उसका लेयर गल गया वो मर जाता है। तब ये 72 आवर्स के बाद ये जाता है लंग्स के अंदर, लंग्स में डैमेज हो जाता है। अगर आप मरीज को देखें कि ब्रेथलेसनेस हो रहा है, उनको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं बिफोर कोरोना टेस्ट सीटी स्कैन चेस्ट लेने के लिए। सीटी के अंदर इमेजेस आते हैं, उसके अंदर जो है एक रफ एरियाज आता है, उसके अंदर कंसोलिडेशन हो जाता है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस बोल के एक टर्म है इसके अंदर, ऐसा दिखाई देता है धुंधला धुंधला ग्लास में से जो दिखाई देता है ना, वैसे लंग्स हो जाते हैं। तो उसकी वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन जो सैचुरेशन होना है बॉडी के अंदर कम हो जाता है। तो एक इसका टेस्ट करने का तरीका ये भी है कि एक पल्स ऑक्सीमीटर मिलता है जो आपका सैचुरेशन बताता है कि भाई कितना है। नॉर्मल इंसान के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होता है 96+ होता है। जब कोई मरीज के लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर पल्स ऑक्सीमीटर लगाया जाए उनको, उनका सैचुरेशन आता है बिलो 90 आ जाता है, 90 के बिलो आता है। इस टाइम पे आपको स्पेशलाइज केयर की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर ये होता है कि भाई ये टाइम होता है जब इसको ऑक्सीजन सप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इज वेरी वेरी एसेंशियल टू द बॉडी एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, इट शुड बी मेंटेन्ड अबाउट 94-95 मेंटेन करना है। अब आप देखेंगे इसके अंदर इसका ट्रीटमेंट में दो टाइप का ट्रीटमेंट होता है, एक होता है एंटीबायोटिक्स होते हैं, एक होता है बूस्टिंग द इम्यूनिटी। एक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में इसके अंदर सिंपल ट्रीटमेंट जो एवरीबॉडी कैन यूज दिस इज द ड्रग बाय नेम एजिथ्रोन, ये माइक्रोलॉइड्स ग्रुप बोल के होता है। इसके अंदर तीन किस्म के एंटीबायोटिक्स होते हैं, एरिथ्रोमाइसिन, रोजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन 6 तवली देते हैं, रोजिथ्रोमाइसिन 12 तवली देते हैं और एजिथ्रोमाइसिन 24 आवर्स सिंगल डोज देते हैं। इसके अंदर ये दी जाती है और दूसरे एंटीबायोटिक्स भी आज इसके साथ सप्लीमेंट कर रहे हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए रोकने के लिए। डॉक्सीसाइक्लिन है, लियोफ्लॉक्सासिन है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में, अकॉर्डिंग टू देयर इम्यूनिटी लेवल, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बैक्टीरिया यू आर एक्सपेक्टिंग देयर, एंटीबायोटिक्स आर बीइंग चेंज्ड देयर। अभी इसके अंदर जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी ड्रग है जो एंटी मलेरियल ड्रग है,
which is also used in trials. So different combinations are going on in different parts of India, different parts of world. अभी normally यहाँ हैदराबाद में जो दी जा रही है वो है azithromycin plus doxycycline. Azithromycin 500 milligrams single dose देते हैं और for about 10 days. उसके साथ जो है doxycycline 200 milligrams BD देते हैं सुबह शाम before breakfast देते हैं. ये drug जो है before breakfast देते हैं, खाली पेट पे दी जाती है. इसके साथ आपको जो देना है सप्लीमेंट्स देने का है. सप्लीमेंट्स में सिंपल सप्लीमेंट्स है विटामिन सी, विच गिव्स ब्यूटीफुल इम्यूनिटी, बूस्ट टू द इम्यूनिटी. विटामिन सी की टैबलेट मिलती है, सक्सी के नाम से मिलती है, 500 मिलीग्राम टैबलेट. ये चूस के भी ले सकते हैं, च्यूएबल टैबलेट भी आते हैं, वाटर सॉल्युबल भी आते हैं. डेली 500 मिलीग्राम के टैबलेट ट्वाइस डेली ले लें आप तो जो है यू बूस्ट योर इम्यूनिटी. सेकेंड आपको जो है B complex with zinc. Zinc also contributes a lot in preventing this virus. So normally Bakersols with zinc, ya Zincovit Z, ya A to Z ke naam se dete hain, daily ek goli deni chahiye. Ek hota hai folic acid, 5 milligram tablets di jati hai. Ye folic acid ka kaam ye hai ki hamare jo respiratory tract hai uske andar cilia hote hain. जैसा बाल होता है, बाल नुमा सीलिया होते हैं छोटे छोटे जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, नीचे के उससे ऊपर की तरफ लेके आते हैं. कोई भी फॉरेन बॉडी जब अंदर जाती है तो उसको बाहर निकालने के लिए ये सीलिया हेल्प करते हैं. ये सीलिया की स्ट्रेंथ होती है फोलिक एसिड देने से उसको एनर्जी मिलती है. जो सीलिया डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू ओल्ड एज, वो फिर से जो है काम करने लगते हैं एंड दे एक्सपेल द फॉरेन बॉडी. जो भी जाते हैं स्पूटम है या फिर बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको एक्सपेल करते हैं. उसके साथ दी जाती है विटामिन डी, आल्सो प्लेस अ ग्रेट पार्ट इन प्रिवेंटिंग दिस एंड बूस्टिंग योर इम्यूनिटी. विटामिन डी नॉर्मली हमारे बॉडी में होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है. जब सूरज की छुआएं गिरती है, इफ यू आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट फॉर 15 टू 20 मिनट्स पर डे, दिस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म एंड इट विल गिव यू अ बूस्ट इम्यूनिटी. नॉर्मली डोज दिया जाता है इनका 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, वंस इन ए वीक देते हैं. राइस के नाम से मिलती है और डिफरेंट ब्रांड्स भी होते हैं. बच्चों के अंदर 10,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे देते हैं. दिस आल्सो गिव्स यू लॉट ऑफ प्रिवेंशन. एंड अभी देखा गया है कि जब इससे पहले भी जब 90s में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब प्लेग आया था और ऐसी वबाएं आई थी, ऐसे जो है वायरल इन्फेक्शन आए थे, उसके अंदर भी जो है ऐसे एरिया जहां पर स्पाइस प्रोडिंग एरियाज है जैसा कि केरला है और डिफरेंट पार्ट्स है श्रीलंका में, या जहाँ पर स्पाइसेस ज़्यादा यूज होती है, उस उन लोगों में ये वायरस इफेक्ट ही नहीं किया. तो आज भी केरला में बहुत कम डिजीजेस है, इसका फैलाव बहुत कम हुआ है, बहुत जल्दी कंट्रोल में आ गया है. उसकी वजह ये है कि मोस्ट ऑफ द केरलाइट पीपल दे आर यूजिंग स्पाइसेस. इसके अंदर ब्लैक सीड्स होते हैं, black cumin seeds that acts boost your immunity, and this is one of the ingredients for hydroxychloroquine jo kalonji ke naam se milti hai. Second hota hai aapke iske andar adrak, fresh adrak ko koot ke jo hai aap usko jo hai paka ke uska kaade ki shakal mein le sakte hain. uske mein usme jo hai thode se tulsi ke leaves bhi dali jate hain aur jo hai dalchini kehte hain cinnamon ऐड किया जाता है और इसके साथ जो है एक या दो क्लोव भी डाले जाते हैं और इसके साथ अजवान जो होता है उसके एक 8 से 10 सीड्स डाले जाते हैं और चाय की पत्ती डाल के इसको पकाया जाता है. पका के इसको जैसा ब्लैक टी बनाते हैं वैसा ब्लैक टी की वैसी बन जाती है. जो डायबिटिक लोग हैं वो लोग विदाउट शुगर ले सकते हैं, जो नॉन डायबिटिक है वो लोग जो है शुगर डाल के जो है उसको ले सकते हैं. दिस विल बूस्ट योर इम्यूनिटी and this is you can increase your immunity by this kala, and normally this is practiced in most of the southern states, Kerala, Karnataka, Sri Lanka, and most of the Malaysian countries and China and Japan and other places. to ye jo hai boost karti hai aapki immunity ko. ye agar cheeze very first iske andar galti kahan par hoti hai, aaj ki zamane mein, aaj ki jab pandemic ke daur mein agar kisi ko temperature aata hai to hum pehli cheez ye karna hai, ye corona ko rule out karna hai.
आप बाद में सोचना है कि ये टाइफाइड है, मलेरिया है, या फिर कॉमन कोल्ड है, या और कोई चीज यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है. फर्स्ट यू हैव टू ट्रीट एंड थिंक एज दिस इज वी हैव टू रूल इट आउट कोरोना. दिस वी हैव टू रूल इट आउट कोरोना. यहाँ पर अक्सर लोगों को गलती हो रही है. अगर बुखार आ रहा है तो पेनाडोल या फिर डोलो ले लेके लोग दो तीन दिन दवा देते हैं, जो वेरी प्रेशियस टाइम है. अगर ये वेरी फर्स्ट डे अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, यू स्टार्ट स्टीम इनहेलेशन, यू स्टार्ट टेकिंग हॉट मिल्क, यू कैन ऑल्सो बूस्ट योर इम्यूनिटी बाय टेकिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क विथ टर्मरिक पाउडर. यू कैन टेक सम ड्राई फ्रूट्स लाइक वॉलनट, आलमंड and kaju and this pista, you can boost your immunity by this because walnuts contains omega 3 fatty acids. A handful of walnuts will do wonders. A glass of milk with turmeric powder will do wonders. And hot milk, simple black coffee or black tea with lemon flavor, a little juice of lemon will give you a boost to your immunity. So ye sari cheeze agar hum aaj practice kar le aur physical distancing kar le, हाइजीन का ख्याल रखें और मिंगलिंग ने हो, गैदरिंग ना हो, पब्लिक प्लेसेस पे हम जो है ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस से हम एतराज करें और गैर जरूरी चीजों को छीते न जाएं. पर्टिकुलरली जब आप लिफ्ट में आते जाते हैं तो कोई जो है टिश्यू पेपर से उसको जो है टच करें, उससे भी जो है वायरस फैलने का इम्कान होता है. एंड वॉट एवर वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स यू आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड, दैट हैज टू बी प्रॉपरली वॉश्ड एंड सैनिटाइज्ड. ये आप करना है. अगर किसी को पॉजिटिव आ गया, आपको इसके दो टेस्ट होते हैं कोरोना के. एक होता है पीसीआर टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. दिस वेरी कंफर्मेटरी टेस्ट, इसके लिए 24 आवर्स टू 48 आवर्स ले रहे हैं. ये टेस्ट से मालूम होता है कि आपको कोरोना है या नहीं. सेकेंड होता है एक एंटीबॉडी टेस्ट, जिसके अंदर आपके अंदर अगर फर्ज कीजिए एक 8 से 10 दिन के अंदर अगर आप कोरोना से अफेक्टेड है तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं, आपके डिफेंसिव मैकेनिज्म बनता है उस वायरस के खिलाफ में. आईजीजी आईजीएम बोल के एंटीबॉडीज होते हैं. इसको जो है कैलिबर करके, इसको टाइट्रेशन करके इसको मालूम किया जाता है कि भाई ये इनडायरेक्ट टेस्ट होता है, 100% नहीं होता. इसके अंदर थोड़ा सा जो है 30% आप नेगेटिव भी आता है, रहते हुए भी नेगेटिव आता है. तो ये नॉट वेरी स्पेसिफिक टेस्ट, बट पीसीआर टेस्ट इज वेरी स्पेसिफिक, दैट कैन बी डन एनीवेयर इन द कंट्री एंड देयर आर सो मेनी लैब्स व्हिच दे हैव ओपनड. एक और एक टेस्ट होता है जो अगर आप ब्रेथलेसनेस हो रहा है तो व्हिच इज वेरी डायग्नोस्टिक, वेरी स्पेसिफिक, सीटी चेस्ट, जो है सीटी लेते हैं, उसके अंदर ग्राउंड ग्रास अपीयरेंस आता है. इसके अंदर द होल लंग इज लुकिंग लाइक ए ग्राउंड ग्रास अपीयरेंस. ये डायग्नोस्टिक स्पेसिफिक टेस्ट होता है कोरोना के लिए. इसी के बेसिस पे जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं. एंटीवायरल्स भी अभी दे आर प्लेइंग ए वाइटल रोल इन दिस. अभी हमारे यहाँ देखा गया है कि भाई एंटीवायरल्स, बट दिस शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ ए हॉस्पिटल और कंसल्टेंट्स. ये बगैर उनके मशवरे के जो है नहीं करना चाहिए. तो ऐसे पेशेंट्स जिसको हम घर में ऑक्सीजन से भी ट्रीट कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर रख के ट्रीट कर सकते हैं, एक स्पेशलाइज्ड रूम रख के आइसोलेट करते हुए, एक उसके लिए स्पेशल जो है वॉशरूम रखते हुए, वेल वेंटिलेटेड रूम रखते हुए और दूसरे लोग नहीं जाते हुए, N95 मास्क पहनते हुए जो भी अटेंडर्स है या पेशेंट है, और फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, यू कैन ट्रीट द पेशेंट इन द हाउस. अभी मैं यहाँ पर हैदराबाद में 10 पेशेंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव है, मैं दे कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड दे आर नॉट रेडी टू गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ड्यू टू मेनी रीजंस. First, it's overcrowded now. There are no beds there. And second is due to there are so many lapses in their services. Due to that, they are not ready to go to the government hospitals. So such hospitals under medical supervision, they can be looked after in the houses. घर में आप उनको care कर सकते हैं. और अभी मैं देखा हूँ 10 के 10 patients, you won't believe it, they have recovered. With simple, this can be done by any member of the family, and the members of the family, they can act as nurses, like medical staff, with little training.
अभी आप देखिए, एक नर्स एक पेशेंट, 10 पेशेंट को देखती है, 5 को देखती है, और 5 फैमिली मेंबर्स मिलके जो उनका उनका जो रिलेशंस होता है, उनका जो लव होता है, अफेक्शन होता है मदर से, फादर से या उनके फैमिली मेंबर से, दिस कैन नॉट बी इक्विवेलेंट टू एनी ऑफ द नर्सेस विच आर प्रेजेंट आउटसाइड. तो ये इसको पोटेंशियल को हम अगर हम एक्सप्लोर करें, आज भी हम घर में ट्रीट कर सकते हैं और इसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आ सकते हैं. व्हाट यू रिक्वायर इज 1 पल्स ऑक्सीमीटर, 1 ऑक्सीजन सिलेंडर, एंड यू नीड टू हैव somebody who is monitoring per day from a central location, that can be with the telemedicine also, and a person sitting away from the patient's house, away from even hundreds of kilometers away also, they can monitor such patients. Iske beautiful results aa rahe hain aaj ki is pandemic ke daur mein, jahan par hazaron patients waiting list mein hain aur the private hospitals ek din ke liye aap believe nahi karenge, government has given some regulatory norms for the private hospitals ki bhai ek patient agar aake private room mein rehta hai isolation mein to 4000 rupees hai, aur agar icu mein rehta hai without ventilator 7500 hai, with ventilator hai to 15000 hai. Telling they are running in losses with this type of treat the persons, what they have fixed the prices, they are running in loss, so they are charging 50000 per day. It's a huge amount. If a patient has waited for 6 days, 3 lakh rupees. So those people, those who cannot afford it, we can have some small centers where isolation can be done under medical supervision, oxygen and their saturations can be looked after, and whatever treatment is there, we can give the treatment, and it is giving very beautiful results. And we have seen that this strain which is present here is not that virulent when compared to the Western countries, where most of the patients, they are going into this ventilators. Here, very few people are going into ventilators. Now, in Italy, they have done a research on this, that it's not due to the virus, it's not due to the pneumonia, but there is some sluggishness in the blood, which is giving to coagulation and also forming embolus or emboli or thrombus. This thrombus, when it goes to the heart, it is causing pulmonary embolism, and then the patient is dying due to heart attack. So after they have done postmortem of nearly 300 to 400 patients, they came to know that the clot is the one which is giving the patient the death. Death is due to the clot, which is going and blocking the coronary arteries and also some arteries in the cerebral arteries. It will form stroke. Then it goes to the coronary arteries, it is forming heart attack there. So now, after giving simple blood thinners like aspirin, clopidogrel, warf, and like this small blood thinners, it's giving beautiful results. The death toll has come down after giving aspirin. So now those ambulatory patients, those who are on ventilator, those who are not cannot move their limbs, Clexane is the drug injection, which is low molecular weight heparin. This is given 1 BD for 3 days. So any clot which is there in the body, that is getting dissolved, and beautiful results. The patients are recovering fast. Second drug which is giving beautiful result is dexamethasone. It is giving beautiful results. This can there are 3 types of this steroids. One is hydrocortisone. Then we have prednisolone, 5 times the potency, and 25 times the potency is betamethasone or beclomethasone. So now prednisolone is given 20 milligrams BD for 3 to 5 days to the patients. The inflammation which is taking place in the lungs, the pneumonitis or pneumonic symptoms, they are vanishing very fast with this, and the patient is drastically improving, and the death toll is coming down. So these are the small measures which anywhere with some basic education, paramedics, nurses and educated people, they can look after this, and you can change the whole scenario, and there is no need for panic, there is no need for fear. We can have positive thinking, bold, and we have to follow simple norms, as our health officials, our prime minister is also telling, that you have to maintain physical distance in each and every speech,
and there are norms of the health ministry also, guidelines from the health ministry and the World Health Organization, WHO, that is giving the, if you want to defeat this, isolation is there, social distancing, physical distancing, and also basic hygiene. Basic hygiene is the mantra of today. And I think with these simple measures, we can win the battle against the coronavirus. And I advise all the religious leaders, all the teachers, all the social workers, paramedics, nurses, and social activists to educate the people. Once you educate the people, educate the population, I think it will come down. I'll give you one simple example of New Zealand, which is 50 lakh population. There they have gone very aggressive and they have changed the whole scenario. Now, after 3 months, not a single case is there. With the last 1 month, New Zealand is free of corona. Likewise, in our state, in Kerala, they have overcome this very fast. But again, due to the migration of the labourers and all this that is spreading, it is also due to their food habits. They drink hot water. That is, in every Keralite drinks hot water, not the cold water. And they take a lot of this Ayurvedic medicines. They take a lot of spices and they are all educated. Their primary health centers are well equipped. And there's aggressive policy from the government and the officials also, which has made it easy to overcome this corona pandemic in Kerala. This can be done anywhere with this experience. This is first time in the history of the mankind after two or three big this pandemics that the whole world is suffering, and lot of scientists, lot of engineers, lot of medical personnel, lot of professors, lot of research scientists, they are working to bring out the vaccine, which is not very far. Hopefully in the month of September we are going to make the vaccine. India is also ahead in the production of vaccine. Hope one day there is a company by name Cipla in India. They are just telling that they will bring out the cheapest vaccine. And once the vaccine comes, I think we can overcome this deadly disease. Hope my video is very helpful, very beneficial to you. And whosoever has came to know about the information which I have given, please pass on to our countrymen, to our neighbors, to our friends, our relatives, our students. And we can train so many students for this. And this is one of the ways to control this pandemic, deadly pandemic. I think we'll meet some other time with some other videos, some other clippings. Jai Hind.